أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو کیا اس سے خوش ہونے کی علامت ہے کیا اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو مال دیتا ہے نہیں یہ اس کی علامت نہیں ہو سکتی ہے اللہ اگر کسی کو بہت سارا مال دے رکھا ہے تو اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اسے خوش ہے اور اگر اللہ کسی کو مال سے نہیں نوازا کسی کو غربت میں رکھا ہے کسی کو فقر و فاقے میں رکھا ہے تو یہ اس کی ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ اسے ناراض ہے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب روي هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة محترم بزرگوں نوجوان دوستوں مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مال کو روک لیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے غریب بناتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے فقیر بناتا ہے اگر وہ چاہے تو دے سکتا ہے اگر نہ چاہے تو وہ نہیں دیتا اور اگر
वो चाहे तो रोक सकता है, अगर वो दे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और अगर वो रोके तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती है। लाखों दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि आपको हादी बनाकर मुबशिर बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है खिदमत इस्लाम में अमीरों और गरीबों का किरदार। इस उन्वान का इंतखाब हमने इसलिए कर रखा है कि लोग जहां इस्लाम की खिदमत की बात आती है तो वहां पर ये समझते हैं कि बस माल अगर हो तो ही खिदमत की जा सकती है, अगर माल नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी माल वाला है, अगर वक्त हो तो ही खिदमत की जा सकती है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है वक्त नहीं है तो हम इस्लाम की कुछ भी खिदमत नहीं कर सकते हैं। यानी जिसके पास माल नहीं है वो माल के लिए इंतजार कर रहा है, जब माल मिलेगा तो खिदमत करेंगे, जब माल मिलेगा तो इस्लाम का काम करेंगे, जब माल मिलेगा तो दीन का काम करेंगे, जब माल मिलेगा तो दावत का काम करेंगे। यानी वो माल के इंतजार में अपनी उम्र को गुजारता रहता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दे रखा है वो वक्त के इंतजार में बैठा हुआ है, भाई अब इस महीने जरा बिजी हूं, कारोबार बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट टाइम जरा टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं काम कर लूंगा। यानी वो वक्त की तलाश में, इस हफ्ता टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, आइंदा हफ्ता टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, आइंदा साल अगर टाइम मिला तो मैं कर लूंगा, जरा सा टाइम मिलने दो, बहुत कुछ करने वाला हूं, अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ करने वाला हूं। यानी वो टाइम के इंतजार में बैठा हुआ है, ये माल के इंतजार में उम्र खपा देता है, ये टाइम के इंतजार में उम्र खपा देता है, दोनों के दोनों गलत फहमी के अंदर पड़े हुए हैं। आज हम इस टॉपिक के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अगर हमको माल दे रखा है तो टाइम के इंतजार ना करें, और अगर माल नहीं दिया है तो माल के इंतजार ना करें, बल्कि जिस तरह हो सकता है वो काम करते जाएं करते जाएं। इसी बात को हम आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम उन्वान को देखेंगे, खिदमत खल्क में, खिदमत इस्लाम में अमीरों और गरीबों का किरदार। खिदमत ये इंसान की फितरत में लगी हुई है दोस्तों। एक औरत है वो खिदमत करती है, अपने बच्चों की खिदमत में मुसलसल लगे हुए रहती है, वो उसके फितरत में अल्लाह ने रख दिया है। एक औरत अपने बच्चों की खिदमत करती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, और उसके जो है जितने मुतालिकीन है वो सारों की खिदमत में लगी हुई रहती है। आदमी है या अपने बच्चों की खिदमत में लगा हुआ रहता है, अपने माँ बाप की खिदमत लगा हुआ रहता है, और अपनी बीवी की खिदमत लगा हुआ रहता है। अलगर्ज ये इंसान के दिल में, इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व ताला ने खिदमत को लगा रखा है। ये कभी ना कभी हमेशा दूसरों के काम करता रहता है, ये इसकी फितरत में है। और अगर वह आदमी खिदमत तो करता ही रहता है लेकिन अपनी खिदमत का अगर सबसे ज्यादा हक अगर वो इस्लाम को दे रहा है तो गोया वो सबसे बड़ा खुश नसीब है, इसलिए कि इस्लाम से बढ़कर हमारे पास न माँ बाप हो सकते हैं न बीवी बच्चे हो सकते हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास अगर अगर अहमियत है तो इस्लाम की है। हाँ, यानी قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, मेरी नमाज है, मेरी कुर्बानी है, मेरे रोजे हैं, मेरी जीना है, मेरा मरना है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अगर आदमी इस्लाम की खातिर सोच रहा है, इस्लाम के बारे में गौर कर रहा है तो अपना बहुत बड़ा हिस्सा लेकर दुनिया से जाने वाला है इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को दो टाइप के रखा है दुनिया के अंदर, अमीरों को भी रखा है गरीबों को भी रखा है। अगर सबको अमीर बना दिया होता तब भी दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता था,
सारे के सारे करोड़पति हैं, सारे के सारे अरबपति हैं, तो फिर अरबपति अगर शर्ट सिलाना चाहे तो कौन सा अरबपति इसका शर्ट सिएगा? नहीं सिएगा। ये अरबपति है, अपने बाल काटना चाहता है, दूसरा भी अरबपति है, जाहिर बात है वो इसका बाल नहीं काटेगा। यानी इंसान का कोई भी काम अगर वो सारे के सारे मालदारी होते तो काम इसका नहीं बन सकता था। इसको खाना बनाने वाले नौकर नहीं मिल सकते थे, इसको कपड़े सीने वाले टेलर नहीं मिल सकते थे, इसके चप्पल सीने वाला मोची नहीं मिल सकता था, इसका घर बनाने वाला मिस्त्री नहीं मिल सकता था, नहीं मिल सकता था। सब अगर अमीर होते तो दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता था, सब गरीब होते तो भी दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता। मैं अगर किसी से काम लेना चाहता हूं तो मैं कुछ दूं तो काम करेगा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। सारे के सारे गरीब होते तो भी नहीं चलता, सारे के सारे मालदार होते तो भी नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को सिस्टम के हिसाब से चलाने के लिए अमीरों को भी रखा है, गरीबों को भी रखा है। और अगर अल्लाह ताला किसी को माल देता है तो क्या उससे खुश होने की अलामत है? क्या अल्लाह ताला किसी से राजी हो जाता है, खुश हो जाता है तो माल देता है? नहीं, ये इसकी अलामत नहीं हो सकती है। अल्लाह अगर किसी को बहुत सारा माल दे रखा है तो इस बात की अलामत नहीं हो सकती कि अल्लाह उसे खुश है। और अगर अल्लाह किसी को माल से नहीं नवाजा, किसी को गुर्बत में रखा है, किसी को फकर व फाके में रखा है, तो ये इसकी हरगिज मतलब नहीं कि अल्लाह उसे नाराज है। तो गोया अमीर बनाना खुशी की अलामत नहीं, गरीब बनाना नाराज की अलामत नहीं, ये दोनों के दोनों अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आजमाइश है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? इन्नल्लाहा कस्समा बैनकुम अखलाककुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दरमियान अखलाक को तकसीम कर रखा है। किसी को इतने अखलाक दिया, किसी को इतने अखलाक दिया, इतने अखलाक दिया, अल्लाह ने जिसको जितने अखलाक दे रखा है वो उतने ही अखलाक का मुजाहरा कर रहा है। अगर अखलाक का मुजाहरा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अल्लाह ताला की जानिब से अखलाक से महरूम है। अगर कोई अखलाक का ज्यादा मुजाहरा कर रहा है तो गोया अल्लाह ताला की जानिब से उसके पास अखलाक का बहुत बड़ा तोहफा अता किया गया है। इन्नल्लाहा कस्समा बैनकुम अखलाककुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान अखलाक को तकसीम कर रखा है। कमा कस्समा बैनकुम अरज़ाकुम, जैसा कि उसने रोजी को तकसीम कर रखा है, अल्लाह ने तकसीम कर रखा है रोजी को। इन्नल्लाहा युती अद-दुनिया मन युहिब व मन ला युहिब, अल्लाह ताला माल है, ये दौलत है, ये साधो सामान है, वो उसको भी देता है जिसको चाहता है, उसको भी देता है जिसको नहीं चाहता है, ये उसको भी देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है, और उसको भी देता है जिसको बिल्कुल नहीं चाहता है। फिरौन को माल किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। क्या अल्लाह पसंद करता है फिरौन को? कारून को माल किसने दिया था? अल्लाह ने दिया था। क्या कारून को अल्लाह पसंद करता है? हामान को उसने दिया, शद्दाद को उसने दिया, अबू लहब को दिया, उतबा को दिया, शैबा को दिया, सबको मान अल्लाह दे रखा है। तो जिसको चाहता है उसको भी देता है, जिसको नहीं चाहता उसको भी देता है। वला युती अलीमान इल्ला मा युहिब, अलबत्ता ईमान की जो दौलत होती है ना वो उन्हीं को देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, वो उन्हीं को देता है जिनको चाहता रहता है। तो गोया माल का देना न देना ये उसकी खुशी और नाजर नाराज करामत नहीं हो सकती है। और उसके बाद हर उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला अलग अलग तरीके से आजमाता रहा, सब कौमों के लिए इम्तिहान का एक सब्जेक्ट रखा कि इन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट होगा, इस कौम के लिए ये सब्जेक्ट होगा, इस कौम के लिए ये चीज जो है आजमाइश होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? तिर्मिजी की हदीस है, इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत को जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर हर उम्मत को अलग 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 चीजों से आजमाता रहा, अलग अलग चीजों को आजमाइश का जरिया बनाता रहा। वो फितनतु उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मत को आजमाने के लिए जो सब्जेक्ट अल्लाह तबारक व तआला बना रखा है वो माल को सब्जेक्ट बना रखा है। वो फितनत उम्मती अलमाल, और मेरे उम्मत का जो मेरी उम्मत की जो आजमाइश है वो माल में होगी, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया।
और ये माल जो है ना मोमिन के लिए बस औकात, ये माल का होना मोमिन के लिए ईमान की हिफाजत का जरिया बनता है। माल मिलता है तो आदमी बहुत सुकून से दीन पर अमल करते जाता है, दीन पर जो है वो दीन को लेकर आगे बढ़ता रहता है। तो गोया माल का मिलना उसके दीन की हिफाजत का जरिया बन जाता है। माल अगर हो तो दीन को अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ता रहता है। तो गोया वो माल उसके लिए दीन को आगे लेकर बढ़ने का जरिया बन रहा है, तो माल उसके लिए खैर की अलामत हो सकती है। और बस औकात इंसान के लिए माल ना होना बेहतर होता है। माल अगर आ जाए तो बिगड़ जाता है, माल अगर आ जाए तो नाफरमान बन जाता है, माल अगर आ जाए तो अल्लाह का बागी बन जाता है। तो उस आदमी के लिए माल का ना होना रहमत है, माल का ना होना उसके लिए बाइसे फख्र है। तो गोया एक मोमिन के लिए माल का होना ज्यादा बेहतर होता है और एक मोमिन के लिए माल का ना होना ज्यादा बेहतर होता है। माल आए तो बिगड़ जाता है, वहां माल ना हो तो बिगड़ जाता है, माल हो तो सुकून से अमल करते जाता है। तो इस तरह के लोगों के जो है फितरत हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बैलेंस लेकर आगे बढ़े कि माल जहां होना चाहिए माल होना चाहिए, और माल की तारीफ भी कर रखी है, जहां नहीं होना है वहां पर उसकी उसे दूर भी भागने की कोशिश की है। अल्लाह के रसूल की दुआओं से हमको पता चलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल फक्रि वल किल्लति वद्दिल्ला, ऐ अल्लाह मैं गुर्बत के परेशानी से पनाह मांगता हूं। तो गो यहां पर अल्लाह ताला गुर्बत को दूर से दूर होना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल फक्र, ऐ अल्लाह मैं गुर्बत से फकर फाके से पनाह मांगता हूं। वल किल्लति, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, जब देखो कुछ ना कुछ कमी होती रहती है लाइफ के अंदर, उस कमी से मैं पनाह मांगता हूं। वज़िल्ला, जब आदमी के पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, कमी है, कमी है, कमी है, तो फिर वो जिल्लत का सामना करना शुरू कर देता है। तो उस जिल्लत से अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं। और एक मौके पर अल्लाह के रसूल दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल जू, ऐ अल्लाह मैं भूख से पनाह मांगता हूं। ये भूख कब आएगी? इंसान के पास माल ना हो तो भूख आएगी। तो गोया अल्लाह के रसूल ने भूख से भी पनाह मांग रखी है। और हम देखते हैं अपनी माजी तारीख, माजी की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने हुद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारा माल दे रखा था, बादशाह बना रखा था। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह बना रखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेइंतहा माल नसीब फरमाया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे रखा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे रखा था, और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दे रखा था। और ये सारे के सारे लोगों ने अपने दिए हुए माल को गलत इस्तेमाल नहीं किया, सही तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला ने जाम्बिया कराम को बहुत सारा माल नवाजता रहा, वहीं पर अल्लाह ने साहबा कराम को भी माल से नवाजता रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहिसाब माल से अल्लाह नवाज रखा था, और इसी माल से अल्लाह के रसूल के साथ दिन की खिदमत करते रहे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल को कौन नहीं जानता है? कितने बकरियां आपके पास हैं, कितने घोड़े आपके पास हैं, कितने ऊँट आपके पास हैं, कितने खेत आपके पास है, कितना गल्ला आपके पास है, कितना सोना आपके पास है, कितना चांदी आपके पास है। ये घोड़े उस्मान गनी को बिगाड़ नहीं पाए, ये ऊंट उस्मान गनी को बिगाड़ नहीं पाए, ये सोना चांदी उस्मान गनी को बिगाड़ नहीं पाया, ये बकरियां उस्मान गनी को बिगाड़ नहीं पाया। ये सारा का सारा माल, जबकि साहबा कराम में सबसे ज्यादा टॉप में अगर कोई थे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हर मौके पर अल्लाह की राह लुटाते रहे, लुटाते रहे। वो वक्त का इंतजार नहीं किया, टाइम का इंतजार नहीं किया, जैसे ही वो टाइम आता उस टाइम पे सही इस्तेमाल कर लिया करते थे। कुएं की जरूरत पड़ी तो उस्मान गनी ने सोचा नहीं, देखेंगे सोचेंगे मशवरा करेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता वो देखा जाएगा। नहीं, उस्मान गनी ने सोचा नहीं, टाइम पर कुएं की जरूरत पड़ी खर्च कर दिया, टाइम पर जंग में खर्च करना पड़ा खर्च कर दिया, टाइम पर मदीने के लोगों को गल्ले की जरूरत पड़ी खर्च कर दिया।
यानी वक्त का इंतजार नहीं करते थे। मालदार भाइयों से गुजारिश है कि टाइम का इंतजार ना करें, वक्त मिलेगा तो देखा जाएगा, वक्त मिलेगा तो मैं अल्लाह का काम करूंगा, दीन काम करूंगा। नहीं, जरा सहाबा कराम को देखो आप, उस्मान गनी रदी अल्लाहु तआला को देखो आप, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाहु तआला को जरा देखो आप, कि वो एक टाइम था मक्का से मदीना आए ना, कुछ नहीं था उनके पास सिवाय उनके जिस्म पर कपड़े जो थे, बस वही कपड़े उनके पास थे। मक्का में सब कुछ छोड़कर मदीना आए। मदीना आने के बाद ऑफर किया साहबी ने कि मेरे पास इतना माल है, इतने खेत हैं, इतने बागात हैं, आधा मैं तुमको दे दूंगा, दो बीवियां मेरे पास हैं, एक को तलाक दूंगा, तुम निकाह कर लेना। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बाजार का रास्ता बता देना, बाजार का रास्ता बता देना। इतना कहना था, बाजार से जो है तिजारत शुरू कर दिया। अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में आपने अपने आधे माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। सौ सौ घोड़ों को अल्लाह के राम लगा दिया, सोने को लगा दिया, चांदी को लगा दिया, गुलामों का आजाद किया, बेवाओं की आपने जो है परवरिश की, हर एक को खिलाते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, सब कुछ कर दिया। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को देखो अब जो है, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला को देखो आप, कि ये सब कुछ जो है लुटा दिया। और उस्मान गनी से इतना बड़ा काम लिया अल्लाह ने इस्लाम का, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला से इतना बड़ा काम लिया इस्लाम का। वहीं पर दूसरी जानिब हम देखते हैं गरीब सहाबा कराम भी मौजूद हैं। अरे ऐसे सहाबी जिनको दोपहर का खाना नसीब नहीं, शाम का खाना नसीब नहीं, एक दिन दो दिन तीन दिन गुजर जाते हैं, खाना उनके पास नहीं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल की हदीसें सुन रहे हैं, भूख में बेहोश हो जाते हैं, लोग समझते हैं शायद इनको मिर्गी की बीमारी होगी। कौन भूल सकता उमर रजी अल्लाह तआला को, गुर्बत के मारे खाना नहीं पानी नहीं, फिर भी अल्लाह के रसूल के साथ बैठकर हदीसें सुन रहे हैं। इधर उस्मान गनी से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा काम लिया, इधर गरीब अबू हुरैरा रजी अल्लाह इतना बड़ा काम लिया कि हदीसों में सबसे ज्यादा बयान करने वाले कौन है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला है। इतना बड़ा इल्म का काम अल्लाह ने लिया, गरीब से लिया। अगर वो सोचते माल आएगा तो मैं इल्म हासिल करूंगा, माल आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं, गुर्बत की हालत में इतना बड़ा काम लिया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसे कि रहती दुनिया तक ऐसी मिसाल पेश नहीं की जा सकती है। असहाबी सुफा जो गुर्बत की हालत में थे, इस्लाम का इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि जो काम अबू हुरैरा कर सकते थे उस्मान गनी नहीं किए, जो काम उस्मान गनी कर सकते थे वो अबू हुरैरा नहीं कर सकते थे। यानी अल्लाह ने उनसे काम लिया, इनसे काम लिया। आसमान से जो काम लेना था वो उस्मान गनी से काम लेता रहा, अबू हुरैरा से जो काम लेना था वो उनसे काम लेता रहा, मालदारों से जो है इस्लाम का अलग काम लिया, गरीबों से अल्लाह ने दीन के इल्म का काम लेता रहा। हर जगह देखेंगे आप, हर जगह देखेंगे आप। और इस्लाम जब मालदार अल्लाह ने बनाया तो मालदारों ने अपने माल को सही खर्च किया। इब्ने जौजी को अल्लाह ने बहुत बड़ा माल अता किया था, ये सारे के सारे माल को दीन में खर्च कर दिया। इमाम बुखारी के बाप को बहुत सारा माल अल्लाह ने अता कर रखा था, वो सारा का सारा माल दीन पर लगा दिया। गौर करें आप, इमाम बुखारी ने सारी जिंदगी खिदमत की, बाप का माल उनके पास मौजूद था। इब्ने जौजी ने इतना बड़ा काम किया, बहुत बड़े मालदार थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अल्लाह ने माल दे रखा था, यानी बहुत बड़े अल्लाह ने माल भी उन्हें अता कर रखा था। हिंदुस्तान को अगर हम देखते हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान रहमतुल्लाह को देखो आप, कि अल्लाह तबारक व तआला गुर्बत में उनको पाला, गुर्बत ने बड़ा किया, लेकिन जब जो है इल्म को लेकर बड़े होते रहे, उनके इल्म मुतासिर होकर एक मलिका एक नवाब की जो है बच्ची से उनका निकाह हो जाता है, नवाब की बच्ची से, नवाब की खातून से जो है उनका निकाह हो जाता है। और इतनी बड़ी खातून से निकाह हुआ, खातून ने खूब नवाजा अपने शौहर को, खूब देता रहा, और उस माल को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हदीस को फैलाने का काम किया। ये माल अल्लाह ने इनको अता किया, नवाब सिद्दीक हसन खान रहमतुल्लाह को माल से हदीस खिदमत की। कितनी हदीस खिदमत की कि भाई ये हदीस एक नुस्खा है,
लोगों तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा ठीक है, इसके 100 नुस्खे बनाओ, लिखो, सबको बिठा कर लिखाया, फैला दिया। ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये तिर्मिजी है, अबू दाऊद है, नसाई है, इब्ने माजा है, ये एक एक नुस्खा है, ऐसा है, ठीक है, चलो इसको लिखो, इसको प्रिंट कराओ, इसको छापो, फैला दो। लोगों के अंदर हदीस का तारुफ नहीं है। अच्छा ऐसा है, ये बुखारी है, जो इसको याद करेगा 1000 रुपए इनाम। ऐलान कर रहे हैं नवाब सिद्दीक हसन खान रहीमुल्ला, अपनी बीवी के अता किए हुए माल को लेकर इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जो बुखारी को याद करेगा 1000 रुपए इनाम, बुलुगुल मराम को याद करेगा 100 रुपए इनाम। देखा आपने कि ये माल को खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ने इनको माल अता किया, और जिनको माल अता नहीं किया वो भी खामोश नहीं बैठ रहे हैं। जरा देखो आप मियां नजीर हुसैन, मियां नजीर हुसैन को जरा देखो आप, मियां नजीर हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने 97 ईयर्स जिंदगी अता की। इस 97 ईयर्स की जिंदगी में 62 ईयर्स हदीसों को पढ़ाने में जिंदगी गुजार दिया। ये मुहद्दिस है हिंदुस्तान का, 62 ईयर्स हदीस को पढ़ाते हुए जिंदगी गुजारता है। और ये मुहद्दिस क्या है, गरीब है। ये मुहद्दिस क्या है, रेलवे स्टेशन में कूली का काम करके जिंदगी बसर करता है मुहद्दिस। इस हालत में हमारे लोगों ने काम किया, लोगों का सामान अपने कंधे पर उठाता है मुहद्दिस, और छोटे मोटे पैसे लेता है, और शाम में लोगों को हदीस पढ़ाता है। एक मुहद्दिस इस मुहद्दिस से मुलाकात करने आता है, अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह आए मुलाकात करने। किससे? मियां नजीर हुसैन से मुलाकात करने आते हैं। दिल्ली के स्टेशन पर उतर जाते हैं, साथ में साधो सामान है, उठा नहीं पा रहे हैं। चुनाची इधर उधर देखा, कुली को तलाश किया, कुली नजर आता है, एक कुली इधर आओ मेरा सामान तो उठा लेना। सामान उठा लिया, चलते गए चलते गए चलते गए, मंजिल पर पहुंचे अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, तो सामान रखा, पैसे उसके हवाले कर दिए, कहा कि भाई मैं यहां पर मियां नजीर हुसैन से मुलाकात करने आया हूं, क्या मुलाकात हो सकती है? एक मुहद्दिस दूसरे मुहद्दिस से मुलाकात करने आ रहा है, वो उनसे पूछता है मैं यहां पर मियां नजीर से मुलाकात करने आया हूं, क्या मुलाकात कर सकता हूं? तो ये कूली जो था ना, वो मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी थे, कहा मैं ही मियां नजीर हुसैन हूं। एक मुहद्दिस का सामान एक मुहद्दिस उठा रहा है, कूली की शक्ल में नजर आता है, खिदमत की दोस्त। ये कुर्बानियां थे उनके, इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हमारे हाथों में हदीस नजर आ रही है, आज हमारे हाथों में किताबें नजर आ रही है, हमें आगे बढ़ना होगा। इतना ही नहीं, जरा देखो आप कि भाई और हमारे सामने कौन कौन है, पेशमा मोहम्मद जूनागढ़ी, नाम सुनते होंगे हम, जूनागढ़ी का तर्जमा, जूनागढ़ी किताब, खुतबाती मोहम्मदी, खुतबाती जो है सलाती मोहम्मदी, सौम्य मोहम्मदी और जकाती मोहम्मदी, 128 किताबें। ताजिर थे, 22 साल की उम्र में जो है, उससे पहले 20 साल की उम्र में जो है वाले साहब ने निकाह करा दिया। एक 20 साल का नौजवान निकाह कर लेता है, पहला लड़का होता है, लेकिन लड़का इंतकाल कर जाता है, और फिर दोबारा जो है अल्लाह ने फिर उनको औलाद नसीब फरमाई, और एक औलाद जब होने वाली थी विलादत की हालत में बीवी के इंतकाल हो जाता है, बीवी के इंतकाल। मोहम्मद जूनागढ़ी, जिनका तर्जमा हम पढ़ते हैं, किताबें हम पढ़ते हैं ना, बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं कि 22 साल की उम्र है, बीवी इंतकाल कर जाती है, सदमे में टूट जाते हैं। हम अगर आप होते तो सदमे से टूट जाते हैं ना, तो गलत काम पे चले जाते हैं, गलत राह पे निकल जाते हैं, गलत काम शुरू कर देते हैं, गम को मिटाने के लिए गुनाहों का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जूनागढ़ी 22 साल की उम्र में देखा कि बच्चा चला गया, दूसरे मरहले में बीवी चलेगी, टूट जाता है, कहता कि नहीं अब मैं दीन की खिदमत करने चलूंगा। 22 साल की उम्र में शादी होने के बाद इल्म हासिल कर निकल पड़ते हैं, 22 साल की उम्र के बाद निकल पड़ते हैं, और फिर इल्म हासिल करते 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 128 किताबों के मुसन्निफ हमारे सामने नजर आते हैं। गुर्बत ने रोका नहीं, गुर्बत ने जो है बीच में रुकावट नहीं पैदा की, ये हमारे असलाफ हैं। मालदार थे तब भी जो है अल्लाह का हक अदा करते थे, गरीब थे तब भी अल्लाह का हक अदा करते रहे। हम मालदार हैं तो चले खिदमत करें, कोई मस्जिद के बारे में सोचे, कोई मदरसे के बारे में सोचे। हाँ, आप मालदारों से मुतालबा नहीं होता कि आप हजारों में दें, लाखों में दें, नहीं, जितना आपके पास होता उतना ही करें, आप कम से कम करें, सब करें।
एक दो से नहीं चल सकता है। इस्लाम की खिदमत एक दो से नहीं, सब करेंगे लेकिन छोटे छोटे पैमाने पर करेंगे। अगर छोटे छोटे पैमाने पर करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मस्जिदों के बारे में सोचें, मदरसों के बारे में सोचें, बेवाओं के बारे में सोचें, गौर करें कि भाई देखो मियां नजीर हुसैन ने हदीस को फैलाने के लिए, बुखारी याद करने के लिए 1000 रुपए लगा दिए। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं संडे संडे, बहुत अच्छी बात है, चलो अगर ये बच्चों 100 हदीस तुम लोग याद करोगे ना तो 10,000 रुपए नाम आपको इंशाल्लाह। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ सोचने की जरूरत है, अपने जहन को बनाने की जरूरत है। दुआएं याद करेंगे बच्चों, चलो आपको 1000 रुपए इनाम, चलो आपको 500 रुपए इनाम, लगाओ आप। इसी से इल्म फैलता है, ये खिदमत है। आप टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, कब्र में जाएंगे तब भी टाइम नहीं मिलेगा, वहां भी टाइम नहीं मिलेगा, क्यों? अजाब शुरू हो सकता है। यहां भी टाइम नहीं, वहां भी टाइम नहीं, फिर टाइम कहां मिलेगा? बेगौर करें, सोचें। हां गरीब हैं, मैं नहीं कर सकता, आप टाइम लगाएं, जिस्मानी काम करें और मेहनत करें कि इस्लामी खातिर चलो जलसा हो रहा है, ये पोस्टर में ये सब जगह बिठा के आऊंगा, काम कर सकता है। मैं ऑटो चलाता हूं, ये मेरे पोस्टर मेरे ऑटो पे लगे रहेंगे, मैं जहां भी जाऊंगा वो जो है फैलते जाएंगे। मैं ऑटो में जो है लेकर जाऊंगा, ये मस्जिद है यहां लगाऊंगा, ये मस्जिद यहां लगाऊंगा, सो सकता है। टैक्सी वाला कर सकता है, बंडी वाला कर सकता है, ऑटो वाला कर सकता है, हर आदमी खिदमत कर सकता है। जस्ट उसको सोचने की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। आईटी डिपार्टमेंट का, यानी आप आईटी के, आईटी फील्ड के हैं, चलो आप उलमा कराम के वेबसाइट्स बनाओ, आप उलमा कराम क्लिप्स बनाओ, आप उलमा कराम के जो है ये बयानों को और ये फलाओं को फैलाओ, ये काम कर सकते हैं आप। आप प्रिंटिंग लाइन के हैं, चलो आप देखो सिगरेट नोशी पर बहुत अच्छा पोस्टर, इसको छपा कर आप हर जगह चिपकाओ। ये शराब नोशी पर ये चार्ट अच्छा है, इसको प्रिंट करा कर छपाओ। आप जो है कुछ पैसे थोड़ा खर्च करना चाहते हैं, 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं आप, 100 रुपए में बेहतरीन एक बैनर बन सकता है, पर्दे के हिसाब से, पर्दे के लिए बना के मार्केट में लगाओ आप। अपने कारोबार को फैलाने के लिए हम अपने जो है, हाँ अपने अपने दुकान के सामने साइन बोर्ड उमदा से उमदा लगाते हैं, इस्लाम को समझाने के लिए। लो क्वालिटी का पेपर नहीं, अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करो, अच्छे बैनर यूज करो, अच्छा पैसा खर्च करो। ये सब क्यों? ताकि इस्लाम को लोग समझें, गलतफहमी दूर होती रहे। या गरीब हो वो भी कर सकता है, मालदार वो भी कर सकता है। गरीब मालदार को बुरा ना समझे, इतना दिया अल्लाह जरा खर्च नहीं कर सकता, मत हकीर मत समझो, दुआ करो अल्लाह इनको तौफीक दे, खर्च करेंगे इंशाल्लाह। ये गरीब है जब देखो मांगता रहता है, नहीं तुम 4 पैसे देते हो ना एहसान नहीं करते हो, अपनी आखिरत बना रहे हो। 4 पैसे दोगे अपनी आखिरत बनेगी, गरीब पर एहसान नहीं कर रहे हो, वो है इसीलिए तुमको सवाब का जरिया बन रहा है। अगर वो ना होता फिर तुमको सवाब मिलने का कोई चांस नहीं होता। सोचना, ये इसको बुरा ना समझे, वो उसको बुरा ना समझे, अपने काम करते जाए, अपने काम करते जाए। औरतें भी काम कर सकती हैं, मर्द भी काम कर सकते हैं, बच्चे काम कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। बस जज्बे की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मस्जिद को आए, मगरिब में आया कि भाई मगरिब बच्चे पढ़ते यार, एक 50 रुपए की चॉकलेट लेके आओ आप। बच्चों आप क्या याद करें? गुड, अच्छा याद करें आप, अच्छा याद करें, अच्छा याद करें, क्यों ना एक 50 रुपए की चॉकलेट से वो बच्चा और अच्छा पढ़ेगा, एक 50 रुपए के बिस्किट से वो बच्चे और अच्छा पढ़ेंगे। 50 रुपए खर्च करने में कोई तकलीफ होगी नहीं? सोचने की जरूरत है। बच्चे पढ़ते हैं, खिलाओ पिलाओ, आगे बढ़ाओ, तरक्की दिलाओ, यही अंदाज हो सकता है काम करने का। जज्बा पैदा नहीं हुआ, नहीं सोचे, जिंदगी गुजरती जाएगी, कब्र में जाएंगे तब भी फुर्सत नहीं मिलेगी, वहां सोचेंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तो हम तमाम को सही अंदाज सोचने की तौफीक अता फरमा, पॉजिटिव सोचने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम खातिर जीने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम खातिर मरीद अता फरमा। बारी ताला जो हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी है ना, उन असलाफ की कुर्बानियों की लाज रखने की तौफीक अता फरमा, उसको समझने की तौफीक अता फरमा, उनको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।